मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से विभाग से संबंधित कई विषयों को लेकर चर्चा की। इस दौरान अरविंद भदौरिया ने बताया कि सीएम शिवराज को उनके विभाग से संबंधित कार्यों के बारे में बताया गया है। साथ ही करीब 22 बिंदुओं को लेकर उनकी चर्चा हुई है, जिसमें विकास कार्यों को प्रगति देने की बात की गई है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान से चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संबंधित सभी विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह ने उन्हें कहा है कि वे सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें उनको शामिल किया जाएगा। सहकारिता विभाग में कंप्यूटराइजेशन में टॉप अथॉरिटी को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही सेल्स विभाग में भर्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को ईमानदारी से प्लॉट उपलब्ध कराने को लेकर सीएम शिवराज से बात हुई है। हमारी सहकारिता विभाग के संबंध में और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के संबंध में दोनों विषयों पर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको आदेश किया है कि लोक सेवा प्रबंधन में अभी लगभग 550 सेवाएं आती हैं, लगभग 2000 सेवाएं तक इसमें आए, तो सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ वो मीटिंग करेंगे, उसमें हमको भी बैठाएंगे, ऐसे उन्होंने एक हमको निर्देश दिया। दूसरा, सहकारिता के विभाग में पैक्स सोसाइटी और कंप्यूटराइजेशन का विषय जो टॉप अथॉरिटी हिंदुस्तान में जो करते हैं उनके द्वारा कराने की बातचीत हुई है। इसके अलावा हमारे सेल्समैन जो अभी 3600 लोगों की भर्ती किए थे हमारी सरकार ने, उनके विषय में बातचीत हुई है, उनको भी हम सहयोग करने वाले हैं। ऐसे सहकारिता के हाउसिंग सोसाइटियों में लोगों को प्लॉट मिल जाए, ईमानदारी से प्लॉट मिल जाए, उस सब विषयों में भी बातचीत हुई है। ऐसे कई प्रकार के ऐसे करीब 20-22 पॉइंट्स पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको बुला के कई विषयों को निर्देशित किया और हमने अपने अभी तक जो कार्य किया है उसके समीक्षात्मक दृष्टि से उनके समक्ष निवेदन भी किया। ये अभी तक हमारे डिपार्टमेंट में काम थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।